तो आज संडे मतलब इट्स टाइम फॉर अनदर Q&A। ज्यादा तेज चिल्ला दिया, और जिन लोगों ने हेडफोन लगाए होगा ऑफ कोर्स तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई होगी, आई मीन तुम्हारी नहीं तुम्हारे कानों की। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज संडे मतलब इट्स टाइम ऑफ कोर्स फॉर अनदर Q&A। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में Q&A बहुत लंबा खींच दिया, उसके लिए रियली सॉरी जिनके कानों की ऐसी तैसी हो गई। लेकिन यस, आज संडे Q&A, जल्दी से बात करते वीडियो में आज के कुछ कमाल के गजब वाले क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी मैं काफी टाइम वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन भाषण तो झाड़ नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ में। इस बार तन्मय पॉल की तरफ से आया सामने, विल सीना मेन इवेंट रेसलमेनिया वन मोर टाइम इन हिज करियर, एंड मेरे हिसाब से यस ये एक दिन होकर रहेगा। जॉन सीना अपने WWE करियर खत्म करने से पहले एक बार फिर से रेसलमेनिया को मुझे ऐसा लगता है फॉर्चून मेन इवेंट करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है भाई अगर रेसलमेनिया 39 के अंदर द रॉक वर्सेज रोमन रेंज नहीं होता है, कोडी वर्सेज रोमन नहीं होता है, ओवरऑल रोमन का अगर बड़ा मैच नहीं होता है, तो आप ये मान सकते हो सीना मेन इवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बात हॉलीवुड की हो रही है। या फिर मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में ऐसा रेसलमेनिया जरूर आएगा जहां पर जॉन सीना आपको मेन इवेंट के अंदर दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन इस बार असगर अली की तरफ से आया सामने, कोडी रोड्स रिटर्न एट रॉयल रंबल एज हील। मेरे हिसाब से WWE का ये वर्स्ट डिसीजन होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरीके से कोडी रोड्स के WWE के अंदर कमबैक हुआ, एक हीरोइक कहानी है, और स्पेशली हेल इन अ सेल के उनके पूरे गट्सी परफॉर्मेंस के बाद मेरे हिसाब से उन्हें एज हील वापस लाना WWE की एक दुनिया की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। उनको एक टॉप बेबी फेस सुपरस्टार मिल चुका है, आपके पास ऑलरेडी आपका फाइनल बॉस द ट्राइबल चीफ है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक रेगुलर बेबी फेस चाहिए ड्रू मैकइंटायर के बाद एज टॉप सुपरस्टार, एजे स्टाइल्स के बाद एज टॉप सुपरस्टार, ब्रॉक लेसनर बेबी फेस है लेकिन वो पार्ट टाइमर, इसलिए मेरे हिसाब से कोडी रोड्स को एज हील वापस लाना WWE में शायद WWE की एक मेजर और सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अगला क्वेश्चन इस बार सामने आया मूसा खान की तरफ से, विल एज कम बैक एज बीबी फेस एंड टेक रिवेंज फ्रॉम द जजमेंट डे। यस ऑफ कोर्स ये बात होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने की जो एज है उन्हें बेबी फेस वाली इंटरनल लिस्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, तो फॉर श्योर का मतलब ये कि अब जब एज की वापसी होगी वह एज बेबी फेस आने वाले हैं, और जजमेंट डे की अकेले मिलकर तो ऐसी तैसी कर नहीं पाएंगे, तो वह किसके साथ वो अलायंस बनाते, क्या कुछ एज का सीन होता है, वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ महीने बाद होगा, फिलहाल कुछ टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए जो एज है वो WWE से एक शॉर्ट टर्म ब्रेक ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन इस बार फरहाद शेख की तरफ से आए सामने, भाई रैंडी ऑर्टन आएंगे नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में और रोमन और रिडल के मैच के अंदर। अब देखो मेरे हिसाब से चीज होगी अगले हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं, उसका मेन रीजन ये चीज WWE मनी इन द बैंक के पास सेटअप करेगी। मुझे ऐसा लगता है अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में रोमन वर्सेस रिडल का मैच होगा, और रोमन इतनी बुरी हालत करेंगे रिडल की, चाहे मैच में चीटिंग से जैसे मर्जी कह लो या फिर मैच खत्म होने के बाद भी हो सकता है रिडल के ऊपर अटैक करें, कि MITB के बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो वापस आएंगे रोमन से बदला लेने के लिए, उन्हें आरके आउट ऑफ नोवेयर लगाएंगे और अल्टीमेटली समर स्लैम 2022 जो कि MITB के बाद अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है, वहां पर रोमन वर्सेस रैंडी का जो मैच है वो सेटअप होता हुआ नजर आएगा, जो कि मेरे हिसाब से कमाल का एक गजब का मैच होने वाला है। अगला क्वेश्चन इस बार प्रांशु भाई की तरफ से सामने, सेट टू विन द MITB कॉन्ट्रैक्ट एंड कैश इन टू रोमन रेंज एंड विंस द टाइटल, आफ्टर दैट कोडी रोड्स विंस द रॉयल रंबल एंड वी आर गोइंग टू सी अनदर चैप्टर, मतलब होने वाला ओवरऑल सेट वर्सेस कोडी फॉर द टाइटल। अब मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि WWE को करवाना चाहिए कोडी वर्सेस रोमन रेसलमेनिया मेन इवेंट, और एक बार फिर से विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस आए, कैश इन करे और एक बार फिर से चैंपियन बन जाए। मुझे ऐसा लगता है ये चीज काफी ज्यादा अच्छी होने वाली, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद भाई जो सेथ रॉलिंस का बदला है वो पूरा हो जाएगा, तीन बार हारना और एक मैच के अंदर टाइटल छीन के ले जाना, बदला मेरे हिसाब से इक्वल हो जाएगा। तो भाई मैं एक्चुअल में स्टोरी लाइन चाहता हूं कि WWE पहले कोडी वर्सेस रोमन का मैच सेटअप करे, सेथ आए कैश इन करे और मैच के अंदर एक बार फिर से रेसलमेनिया 31 को रिपीट करते हुए नजर आए। अगला क्वेश्चन इस बार संचित गिल की तरफ से आए सामने, भाई डीमन किंग फिन बैलर वर्सेस एज हो सकता है क्या? अब मेरे हिसाब से ये मैच होने का चांस कितना है मैं खुद भी यू नो ज्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो फिन बैलर है क्या उसके जजमेंट डे वाले पूरे सीन के अंदर डीमन बैलर एक्चुअल में आएगा या फिर, ये बात कंफर्म नहीं है। ऐसी स्पेकुलेशन आ रही सामने कि डाउन ऑन द रोड जो WWE है वो शायद डीमन बैलर को एक बार फिर से वापस ला सकती है, लेकिन क्या उनका आमने सामने एज के साथ होगा ये बात से मैं श्योर नहीं हूँ। आई गेस डीमन फिन बैलर वर्सेज एज नहीं होने वाला है, या फिर हो सकता है भाई हो भी जाए क्योंकि एज की कुटाई होगी, और डीमन बैलर एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है अगर मैं बात करूँ जजमेंट डे के लीडर के बारे में। अगला क्वेश्चन इस बार पीयूष शाही की तरफ से आए सामने, हु विल बी गुंथर नेक्स्ट अपोनेंट फॉर IC टाइटल। वेल देखा जाए फिलहाल क्लियर तो मुझे भी आइडिया नहीं कि भाई एक्चुअल में कौन सा उनका अपोनेंट होने वाला है। WWE के पास में काफी सारी चॉइसेस हैं, यहाँ पर शेमस है, रिजी हॉलैंड, बुच है और भी काफी सारे टैलेंट्स हैं, तो WWE किसी के साथ भी जा सकती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं एक्साइटेड हूं गुंथर की पूरी IC टाइटल रेन के लिए, बिकॉज द रिंग जर्नल इज योर IC चैंपियन। बाय द वे अगला जो क्वेश्चन है वो इस बार द ट्राइबल बीस्ट की तरफ से आए सामने, बेल
Bailey return and attack Bianca Belair at MITB and challenge her at SummerSlam for Raw Women's title. अब देखो मेरा तो कहना ये भी कि जब बेली आएंगे बियांका बेलर को सीधा डिथ्रोन करती हुई नजर आ, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। अब बेली की जो वापसी WWE को मुझे ऐसा लगता है मैसिव वे में करनी चाहिए। बियांका बेलर ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुकी है EST ऑफ WWE है। अब रिया रिप्ले के साथ में उनका मैच होने वाला है तो मुझे ऐसा लगता है शायद जो रिया रिप्ले है उस मैच में थोड़ा हल्का सा मुझे चांस लग रहा है कि जीत जाएंगे, लेकिन फिर मैं बियांका के साथ ही जाऊंगा। एंड इमेजिन बेली की जो रिटर्न है यहाँ पर होती है, फिर बेली वैसे बियांका बेलर का मैच होता है समर स्लैम में और बेली एक बार फिर से टॉप ऑन द माउंटेन होती है, फिर शाशा बैंक्स आती है बेली को चैलेंज करने के लिए। आई गेस WWE को ऐसी कुछ स्टोरी लाइन चलानी चाहिए जो कि एक बार फिर से वुमेंस डिवीजन को एकदम कमाल लेवल पर पहुंचा देगी। वैसे ऑलरेडी आस्का, बेकी लिंच, बियांका बेलर ये सभी वुमेंस एकदम टॉप क्लास के ऊपर कम्पीट करी वुमेंस डिवीजन को ऑलरेडी काफी टॉप पर लेगी, लेकिन अगर मेरे हिसाब से बेली वापस आती फिर शाशा वर्सेस बेली का मैच होता है एक बार फिर से टाइटल के लिए तो स्टोरी लाइन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बाय द वे जो अगला क्वेश्चन है इस बार हसन अली की तरफ से है सामने, क्या MITB में ब्रॉक लेसनर की शॉकिंग रिटर्न हो सकती है इन द लास्ट मोमेंट एंड विन द MITB ब्रीफकेस? अब मुझे इसके चांस काफी कम लगते हैं। उसका मेन रीजन है कि WWE ने एलिजेंट स्टेडियम से MGM में MGM स्टेडियम के अंदर शिफ्ट कर लिया और MGM स्टेडियम में जब वो रोमन को कम्पीट नहीं करवा रहे तो मुझे नहीं ऐसा लगता वो ब्रॉक वाला मोमेंट हमें करवाते हुए नजर आएंगे। आगे जो ब्रॉक है उनकी सीधा वापसी समर स्लैम के अंदर होगी और मजा आने वाला है, देखते हैं ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में किसका आमना सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन इस बार गौरांग भाई की तरफ से है सामने, भाई क्या फीड जजमेंट डे के लीडर बन सकते हैं? आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है और काफी लोगों ने काफी था कि जो फीड की अगर WWE रिटर्न इन फ्यूचर होती भी है तो उन्हें जजमेंट डे का लीडर बन के आना चाहिए। पहली बात ये, मैं फीड के बारे में बहुत कम बात करूंगा चैनल के ऊपर क्योंकि भाई वो इंसान के र्यूमर आते हैं लेकिन वो इंसान खुद नहीं आता है। आंखें तरस गया फीड को देखने के लिए और फीड अलग भाई घूम फिर रहे हैं, आराम से ऑटोग्राफ साइनिंग कर रहे हैं और आराम से अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो WWE है उन्हें फीड की रिटर्न इस बार जजमेंट डे फैक्शन के साथ करवानी चाहिए। जैसा WWE ने दिखाया कि जो फिन बैलर उनकी प्लानिंग थी भाई अपने डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ले के साथ में एज के ऊपर अटैक करने के बारे में, सारी लिमिटेशन को हटा देने के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है आखिरी में डाउन ऑन द रोड एक स्टोरी लाइन आएगी जहां पर ये बात रिवील होगी कि भाई एक्चुअल में जजमेंट डे को फिन बैलर कंट्रोल नहीं कर रहे, डेमियन प्रीस्ट कंट्रोल नहीं कर रहे, रिया रिप्ले कंट्रोल नहीं कर रही है, वो एक चौथा इंसान है जो कि कंट्रोल कर रहा है। एक हाई प्रोफाइल मैच हो फिन बैलर का, उस मैच में आए फीड बने जजमेंट डे के लीडर, सामने वाले सुपरस्टार के ऊपर अटैक करे, फिन बैलर को मिले एडवांटेज और तभी बात रिवील होगी फीड एक्चुअल में वो इंसान है जो कि जजमेंट डे को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है स्टोरी लाइन बवाल मचा सकती है। ऑलरेडी जो WWE वाले जजमेंट डे को एक बड़ा फैक्शन, एक अच्छा फैक्शन दिखाने का ट्राई कर रहे हैं और चाहते हैं भाई फैंस उसके बारे में बात करें, तो मेरे हिसाब से अगर फीड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और अगर ये चीज हो जाती है पॉसिबल तो भाई जजमेंट डे की मैं कह रहा हूँ लाखों बार बातें होने वाली है। बाय द वे आज की क्यों नहीं वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। और अल्टीमेटली मैं फीड के बारे में यही कहना चाहूंगा भाई उनके दर्शन होते WWE में वही बड़ी बात है, अभी जजमेंट डे का लीडर वीडर तो रहने दो। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।